आप सबके, दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं आज बना रही हूँ भोला कबाब, ठीक है। उसके जो कुछ मसाले हैं जिनको मैंने ग्राइंड करना है, वो 2 टेबलस्पून भुने हुए चने हैं, 1 टेबलस्पून कोकोनट है, 1/2 टीस्पून काला ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी जवत्री है 2-3 पत्तियाँ और थोड़ी सी ही जायफल है 1/4। अच्छा, ये क्या चीज़ है, इसे कहते हैं पीपली। ये मैंने 1 ली है क्योंकि 1/2 किलो कीमा है मेरे पास और 4 से 5 ये काली मिर्च की तरह से सिर्फ 5 दाने लेंगे, ये मैं निकाल दूंगी। कबाब चीनी है, इनको मैं पहले ग्राइंड कर लूँ और एक पाउडर बना लूँ, उसके बाद जो इसके साथ दूसरे स्पाइस जाएंगे वो मैं फिर सारे आपको दिखाती हूँ। इनको हम पाउडर बनाएंगे और मैंने कीमे को पपीता लगा के 1 टेबलस्पून रख दिया था, ठीक है। अब हम ये स्पाइस लगा के उसमें मिक्स करके रख देंगे। अब एक मसाला ये है जो कि मैंने अभी इसको ग्राइंड करना है, पहले इसको ग्राइंड करूँगी तो उसके बाद उसमें कीमा ऐड कर दूँगी। 4 हरी मिर्चें ली है मैंने, 2 टेबलस्पून तली हुई प्याज है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन है और 1 ये छोटी सी प्याज है, ठीक है। इनको मैं चॉप करूँगी फिर इसमें कीमा ऐड करूँगी। एक तो ये काम हो गया, दूसरा काम ये है कि ये मैंने मसाला पीस लिया था, जो आपको दिखाया था ना, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, चने, खोपरा, जायफल, जवत्री, ये सब चीज़ें जो अभी बताएंगे मैंने वो कर ली। 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया है और 1 टीस्पून नमक है। ये सारे स्पाइस इनको मैं चॉपराइज कर लूँ, फिर उसमें ये ऐड करूँगी, कीमा ऐड करूँगी। कीमे को मैंने पपीता लगा के रख दिया था पहले ही वो, ताकि अपना काम शुरू कर दे। तो इन सबको मैं चॉपर में चॉप कर लूँ तो फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अब मैंने ये प्याज का, हरी मिर्चों का, ये सारा मैंने अदरक लहसुन सब मैंने इसमें चॉप कर लिया है। ये कीमा है 1/2 kg, इसमें मैंने पपाया लगाया हुआ है, कच्चा पपीता, इसको मैं इसमें डाल के दोबारा से चॉप करूँगी, ठीक है। ये थोड़ा मोटा कीमा है मेरे पास, इसको हम चॉप करेंगे, फिर वो मसाले भी ऐड कर देंगे जो हमने, ये वाले, समझ आ गई। चले अब मैं ये काम कर लेती हूँ। अब मैंने ये सारे स्पाइस कीमे में मिक्स किए और इसको मैंने चॉपराइज कर लिया अच्छी तरह। मैं इसको अभी और मिक्स करूँगी हाथ की मदद से और फिर मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। गोला कबाब को मैंने सीखों पे चढ़ा के और इनको मैंने बना लिया था, शेप दे दी थी, ठीक है। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। और हाँ, मैं इसमें ये कबाब बनाने से पहले, शेप देने से पहले, मैंने इसको कोयले का धुआं भी दे दिया। इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। इसको मैरिनेशन करने के बाद 3-4 घंटे के लिए रखना होगा, ठीक है, फौरी तौर पे नहीं, ताकि जो पपीता डाला है वो अपना काम शुरू कर दे, ठीक है। बस बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट हो रहे हैं ये, बड़े हल्के हाथ से मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ तो टूट जाएंगे, इतने सॉफ्ट हैं। चलें बस अब मैं इसकी डिश आउट करती हूँ इसको, फिर आपको दिखाती हूँ। गोला कबाब की को मैंने शैलो फ्राई करके डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी समझ आई होगी। जज़ाकअल्लाह, ज़रूर ट्राई करना।